हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपेयर कर रहे हैं इस सीआरटी टीवी को। तो दोस्तों देखिए, इसमें कलर रेड कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो रेड कलर ज़्यादा आ रहा है तो इसको हमें कैसे रिपेयर करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से बहुत ज़्यादा इसमें उसका जो लाल कलर है बहुत ज़्यादा लाल आ रहा है। तो इसका रिपेयर कैसे करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो कलर का फॉल्ट आ रहा है रेड कलर का, ये इसका सीआरटी बेस का फॉल्ट है। सीआरटी बेस बोर्ड में हमें इसकी चेकिंग करना है कि कौन सा सप्लाई यहाँ पर मिस हो रहा है या ज़्यादा बन रहा है, ये हमें चेक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर 180 वोल्ट यहाँ पर पहुँच रहा है कि नहीं। पहले ये देखिए, 170 पहुँच रहा है, यानी कि ये वोल्टेज सही है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ से तीनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पर आरजीबी तीनों ट्रांजिस्टर को यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है। ये देखिए सप्लाई यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ पर आउटपुट बेस पर देखते हैं वोल्टेज, यहाँ पर ये देखिए ब्लू कैथोड का वोल्टेज आ रहा है, और उसके बाद रेड कैथोड और ग्रीन कैथोड का भी यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर रेड कैथोड का वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेड कैथोड का वोल्टेज यहाँ पर बेस पर सीआरटी बेस के आउटपुट पर देखिए सिर्फ 18 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, अगर रेड कैथोड में पूरे वोल्टेज नहीं आएंगे तो लाल कलर से ही संबंधित यहाँ पे फॉल्ट आएगा, या देखिए लाल कलर मिस आएगा या फिर लाल कलर ज़्यादा आएगा। ये देखिए, इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक 12K का रजिस्टर इसके ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर 170 वोल्ट आ रहे हैं, और ये से रजिस्टर के द्वारा ये सप्लाई यहाँ पर पूरा नहीं जा रहा, 15 वोल्ट ही जा रहा है। ये देखिए ड्रॉप हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, बाकी सभी ट्रांजिस्टर पर इसके वोल्टेज पूरे पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं जा रहा है। तो इसका कारण यही है दोस्तों, या तो ये रजिस्टर इसका ख़राब है या फिर यहाँ पर शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले टीवी को हम ऑफ़ कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी रेंज पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट करके इस रजिस्टर को चेक करेंगे दोस्तों। कंटिन्यूटी रेंज पर हमें नहीं रखना है, यहाँ पर 12K का रजिस्टर लगा होता है, कम से कम 20K का रजिस्टर का जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी हमें नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर से आपको शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी इस पर नहीं मिल रहा। दूसरे जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर के कैथोड हैं उन पे तो 12K का यहाँ पर वैल्यू हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पर 12K का यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो 12K का रजिस्टर है ये ओपन हो गया है। तो जल्दी से हमें इस रजिस्टर को चेंज करना है, और यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर लेंगे कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो रेड कैथोड का जो बेस पर सप्लाई पहुँचता है वो कहीं ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है, उसको भी हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की मदद से। तो ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों वो शॉर्ट नहीं है। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर सिलेक्ट करके हम ट्रांजिस्टर का जो यहाँ पर आउटपुट जाता है बेस में, उसको उस पॉइंट को चेक कर लेंगे ग्राउंड के साथ, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। इस तरह से देखिए, दोनों पिंस को आपस में पलटा कर हमने चेक कर लिया है ग्राउंड के साथ, ये शॉर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका रजिस्टर है उसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12K का रजिस्टर लगा हुआ है, जल्दी से इसको हम चेंज करके देख लेते हैं।
और इसको बाहर निकाल के भी चेक करेंगे हम। यहाँ पर देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। दोस्तों यहाँ से हम रजिस्टर को ओपन करेंगे और एक बार फिर से यहाँ पर चेक करके हम लगाएंगे। जो पुराना रजिस्टर निकालेंगे उसको भी हम मल्टीमीटर से बाहर निकाल के चेक करेंगे और नया लगाएंगे उसको भी चेक करेंगे। ये देखिए ये 12K का रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। मल्टीमीटर से एक बार फिर से 20K का रजिस्टर, 200K के यहाँ पर हमने रेंज सिलेक्ट किया है। 200K या 20K के रेंज पर हम सिलेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, कुछ भी इसका वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रजिस्टर ख़राब है। उसके बाद देखिए हमारे हाथ में ये जो रजिस्टर है ये हमने नया लगाना है। ये देखिए इसका 12K का यहाँ पर इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो इस रजिस्टर को जल्दी से हम लगा देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। दोस्तों हमने यहाँ पर 12K का रजिस्टर रिप्लेसमेंट कर दिया है। अब देखते हैं टीवी को ऑन करके सप्लाई हमारा सही पहुंच रहा है कि नहीं और इसका फॉल्ट सही होता है कि नहीं या आगे भी हमें कुछ रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 167 वोल्टेज मिल रहा है और ये देखिए रजिस्टर के बाद यहाँ पर 158 वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पर रेड कैथोड में 158 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन कैथोड पे 156 और ब्लू कैथोड पे 113 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि सप्लाई हमारा सही पहुंच गया है। ये देखिए कैथोड पे भी और ट्रांजिस्टर पे भी वोल्टेज हमारा सही मिल रहा है। अब हमें टीवी स्क्रीन की ओर देखना है कि फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया है। जहाँ पर इतना ज़्यादा रेड कलर आ रहा था वो चला गया है। तो इसी तरह से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।